यूपी के रामपुर से सांसद सपन नेता आजम खां अपने विवादित बयानों से एक बार फिर सुर्खियों में है। फिर से उन्होंने बीजेपी नेत्री जयाप्रदा पर बिना नाम लिए विवादित टिप्पणी की है। दरअसल सपा नेता आजम खां एक क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से जयाप्रदा पर बिना नाम लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। खाना नहीं खोला, नाच घर खोला है। मैं लफ्ज खास तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जान रहे लोग ये लफ्ज कहां जाकर लग रहा है। जिस समाज में इस लफ्ज को मुहतरम मान लिया जाएगा, क्या तरक्की करेगा वो समाज और कैसे सर उठा के चलेगा। जिसको लेकर भाजपा नेता ने आजम खान सहित 11 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। ये दिनांक 29/6/2019 को खुशबू मैरिज हॉल है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का समारोह में ट्रॉफी बांटने के लिए मोहम्मद आजम खां आए हुए थे। इनके द्वारा माननीय जयप्रदा जी के विरुद्ध अपशब्द टिप्पणी व्यक्त की गई थी, जिसके संबंध में आकाश सक्सेना निवासी कृष्णानगर रामपुर थाना सिविल लाइन के रहने वाले, इनके द्वारा एक लिखित में तहरीर दी गई है कि दिनांक 29/6/2019 को इनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके संबंध में 354/2094/504/66 IT के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट।